और इसी बीच बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे दें। हरदा कांड में हुआ है बड़ा एक्शन। एसपी के बाद कलेक्टर को हटाया गया है। सीएम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। हरदा कलेक्टर को मंत्रालय अटैच कर दिया गया है। साथ ही एसपी के बाद अब कलेक्टर को हटाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शैलेंद्र, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी कार्रवाई हुई है। शैलेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र, एसपी के बाद अब कलेक्टर को भी हटा दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिली है। जिस तरीके से कुछ देर पहले एसपी को हटाया गया था और उसके बाद अब कलेक्टर को हटाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए, जिस तरीके से खुद डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से जो ग्रामीणों की तरफ से जो जानकारी मिली थी कि कई सालों से ये फैक्ट्री जो है वो संचालित हो रही थी, रियायती इलाके में संचालित हो रही थी, उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी परिणति ये हुई कि 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और यही कारण है कि एसपी के बाद अब कलेक्टर को भी हटा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कहा गया है कि जांच कमेटी गठित की गई और जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया एसपी और कलेक्टर को दोषी मानते हुए दोनों को हटा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत की। तो यहाँ राम मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग कई शहरों से जा रहे हैं अयोध्या। सरकार ने रामलला दर्शन योजना की आज दुर्ग से शुरुआत की और योजना के तहत हर साल 20,000 लोगों को रामलला के सरकार दर्शन कराएगी। दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर राम नाम की गूंज है। अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले भक्त हैं, साथ ही उनके स्वागत के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, दिग्गज नेता धर्मलाल कौशिक भी मौजूद रहे। आस्था स्पेशल ट्रेन को इन लोगों ने हरी झंडी दिखाई। लोको पायलट का भी स्वागत किया गया। बहुत ही उत्साह है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीवन में अपना बहुत बड़ा पुण्य कमाए रहे होंगे कि आज हम लोगों को रामलला जी जो अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। राम का दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या, हमारा किस्मत हमारा भाग्य है जो लाखों लोगों ने वहां कुर्बान कर दिया, आज उसके खून जो बह है वहां, आज उसका पुण्य प्रताप से हम लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद उनके उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, उसके बाद आज हमें जाने का मौका मिल रहा है, तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। रायपुर में अयोध्या से लौटे तीर्थयात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। रामलला के दर्शन के बाद राम भक्तों के चेहरों पर चमक दिखी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया। मुंगेली की तस्वीर भी देखिए। रामलला का दर्शन कर पहला जत्था मुंगेली लौटा। लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। इन लोगों ने रामलला के दर्शन के लिए सरकार का आभार जताया। ये तो बात हुई भक्तों की और आस्था की, लेकिन इसके सियासी मायने भी हैं। जानकारों का मानना है कि राम मंदिर निर्माण और रामलला के दर्शन से अभिभूत भक्त इसका फायदा भी पहुँचाएंगे। जाहिर है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। रिपोर्ट न्यूज 18। खबरें लगातार जारी हैं, यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।